पहाड़ों की जो भी प्रतिभाएं, पहाड़ की पानी और पहाड़ की जवानी यहीं के जो है वो काम आ सके। शिक्षा जो है वो हर बाप अपने पुत्र को देता है, लेकिन बहुत कम ऐसे पुत्र होते हैं कि जो उसे ग्रहण कर अपने जीवन में जो है सार्थक करते हैं। और ऐसे दो पुत्र जो है वो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, आप जो है वो देख सकते हैं इनको, कि इन्होंने अपने पापा के साथ मिलकर जो है वो 10 घंटे लगातार और जो है वो 24 किलोमीटर जो है वो तैरा है। नमस्कार, स्वागत है आपका UP 24/7 न्यूज में। आपके साथ नितेश नियाल बात करेंगे। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरे पहाड़ में, चाहे वो फौज हो चाहे वो होटल हो, पहाड़ों में कहते हैं, हर जगह कहते हैं ये कि जो है वो आलू और पहाड़ी हर जगह आपको जो है, हर देश में, हर क्षेत्र में, हर जगह जो है आपको मिल जाएगा। और आज अगर बात करेंगे तो पहाड़ों में ऐसी कई प्रतिभाएं जो निकल के आ रही है, जो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर अपना जो है एक अलग ही मुकाम, अलग पहचान जो है वो बना रही है। कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है थोड़ी बहुत की जो है सरकारें इनके ऊपर ध्यान दे और पहाड़ों की जो भी प्रतिभाएं, पहाड़ की पानी और पहाड़ की जवानी यहीं के जो है वो काम आ सके। तो आज हम ऐसी प्रतिभा से जो है वो आपको मिलाने जा रहे हैं, जहां पर जो है वो पिता और दो पुत्रों ने यहां पर किस प्रकार से जो है वो 10 घंटे 24 किलोमीटर लगातार ठहरे हुए पानी में टीरी झील में जो है वो तैराकी की। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? त्रिलोक रावत। रावत जी, क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से जो है वो आपने एक बहुत, क्योंकि ठहरे हुए पानी में तैराकी करना आपका अपने आप में थोड़ा बहुत कठिन होता है, और आपने 10 घंटे तक और बिना किसी सेफ्टी के आपने वो किया है, वो भी अपने पुत्रों के साथ, क्या कुछ कहेंगे? ठहरा हुआ पानी के साथ साथ ठंडा पानी भी, अक्टूबर में ठंड आ जाती है, सितंबर से तुरंत जो है अक्टूबर में ठंड आ जाती है, तो यह तो एक उस प्रभु की देन है, उस प्रभु की कृपा है। और हमारे जिला अध्यक्ष बड़े भाई का सहयोग और जिला अधिकारी महोदय मयूर दीक्षित साहब का सहयोग, उन सबका सहयोग से हम इसको कर पाए हैं, वरना कर पाना असंभव होता, बिना प्रशासन की अनुमति के ये संभव नहीं हो पाना। और उस प्रभु की तो प्रतिभा दी हुई है और तीनों में ही दी हुई है, मैं उसका धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उस प्रभु ने मुझ में और मेरे दोनों बेटों में यह प्रतिभा दी। किसी भी कार्य करने के लिए जो है वो कोई भी चीज प्रेरणा होती है, तो आपकी ये सोच कब से थी, कैसे थी, कैसे ये विचार जो है वो मन में आया? क्योंकि पहले जो है वो असल में धरातल पे चीजें तब होती है, चाहे वो घर हो, बिल्डिंग हो, होटल हो, पहले वो नक्शा जो है वो दिमाग में बनता है, तो ये नक्शा जो है आपके दिमाग में कब और कैसे बना? सर, मैं पूरी डिटेल में जाना चाहूंगा। मैं बचपन से ही, मेरे अंदर स्पोर्ट्स भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ था। हम दो भाई हैं, ये मेरा छोटा भाई सुंदर रावत है, और क्रिकेट मेरा बहुत बड़ा हो रहा था। तो बचपन में जब हम, उस समय तो टीवी का भी जमाना नहीं था, 90-99 की बात है, तब हम क्रिकेट खेला करते थे। तो मन में ये था कि उस समय ऑस्ट्रेलिया टीम में स्टीव वॉग और न्यूजीलैंड टीम में मार्स बंधु थे, उस समय बड़े फेमस थे। तो मन में ये था कि यार क्या हमें भी ये मौका मिल पाएगा। तो भगवान ने प्रतिभा तो दी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश उस समय उत्तर प्रदेश था, बहुत बड़ा राज्य था, और हम उत्तर प्रदेश से बहुत दूर दराज मोटना गांव के निवासी टीरी गढ़वाल के थे, तो वो ये संभव नहीं हो पाया। तो उसके बाद मन में ये टीस तो थी कि यार कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद 2005 में ये टीरी बांध बना, उसका टनल बंद होके लंबी 42 वर्ग किलोमीटर हमारे गाँव के सामने ही, दोनों तरफ मेरे गाँव बीच में है और दोनों तरफ उसकी जो है टीरी बांध की झील बनी हुई है। तो उसके बाद मेरा बेटा, ये छोटा बेटा 2006 में इसका जन्म हुआ। मन में ये था कि यार हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ ऐसा नहीं कर पाए, था तो था मन में स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में तो भगवान ने बहुत दिया था, मैं अपने मुंह से क्या अपनी तारीफ करूं, जब नहीं हो पाया तो उसको नगण्य ही समझूं। लेकिन मन में था कि यार कुछ करूं। अब भाई होटल लाइन में चला गया और मैं गाँव में ही राजनीति में रहा। तो जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, इसको तो मैं ट्रेनिंग देता रहा, जैसा तो इनके बीच में जब ये 10-11 साल का हो गया तो इसको भी मैंने ट्रेनिंग देनी शुरू की, ये झील में तैराकी की। तो तब मन में यही था कि यार ये चीज है जो मैं कर सकता हूँ, भगवान ने अगर प्रतिभा दी है तो शायद इसको मैं कर सकूं, जो ये भिन्न होगा। मतलब अभी तक दुनिया में ऐसा नहीं है कि जहां आपको ये देखने को मिला कि एक पिता अपने दोनों पुत्रों के साथ इतनी लंबी दूर, इतना बड़ा झील, जिसने नहीं देखी है उसके लिए तो ये लगता होगा कि ये केवल क्या पता 2-4 मीटर गहरी होगी, लेकिन जिन्होंने देखा है उसका नीचे 240-245 मीटर गहरी, 800 तो समुद्र तल से बेटा, लेकिन उसकी जो एक्चुअल गहराई है 250 से 300 के बीच उसकी गहराई है। जब वो पानी बहता हुआ पानी जा रहा तब पूरा दिखाई देता कि कहाँ तक झील रहती है। आज कोई बाहर से जाए तो उसे ये लगता कि 8-10 मीटर की झील होगी। तो मेरे घर से बिल्कुल सामने झील पड़ती है, तो ये दिमाग में था यार कि वहां से यहाँ तक कैसे तैर के आया गया। तो भगवान का बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि उसने भी ये प्रतिभा दी, इनको जैसे तैरने के लिए उतारा
तो ये उसमें मुझे लगा कि ये कर सकते हैं। तो ये इसका इसकी परीक्षा ही कहूंगा मैं, इसका जो टेस्ट मैंने 30 सितंबर 2020 जब कोरोना काल चल रहा था उस समय ली मैंने इनकी परीक्षा कि ये कर सकते हैं, कि ये ना हो कि मैं इनको लेके वहां जाऊं और फिर बेइज्जती महसूस हो कि यार नहीं कर पाए। तो पहली बार में बिना प्रशासन, इसमें आपके सामने बोल रहा हूं कि बिना प्रशासन के, लोकल एरिया हमारा लोकल एरिया तो क्या प्रशासन नहीं थी, उसमें कोरोना काल भी चल रहा था, तो अपने साथ 10-15 लड़कों को, अपने गाँव के 10-15 लड़कों को लेके गया। और मेरे, जैसे मैंने बताया कि मेरे गाँव के दोनों तरफ झील है, हमारा गाँव बीच में है, तो अपने दाहिने साइड वाली तरफ से तैरना शुरू किया और लगभग 5-6 किलोमीटर की तैराकी करके जब मैंने इन्हें देखा कि मेरे साथ पूरा पहुंचे, और एक लड़का और भी था दिलवर पंवार है, वो हमारे साथ पहुंचा 7 किलोमीटर के आसपास, तो तब मुझे लगा कि ये कर सकते हैं। और उसके दूसरे साल ही ठीक 30 सितंबर 2021 को उस समय जिला अधिकारी महोदया जी थी, उनसे अनुमति ली थी, उन्होंने कहा था कि आप क्या करना, इस तैर को क्या करेंगे। मैंने कहा महोदय जी की प्रभु ने अगर दिया है तो उसका वो करना चाहता हूँ कि हमारे अंदर कितनी प्रतिभा और कितना कर सकते हैं। मन में तो मुड़ना था लेकिन मैंने बताया नहीं कि कहाँ तक जाना है, और वहाँ तक हम सफल हुए। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे अंदर से ये भाव जो है वो आ रहा है। असल में क्या होता है कि शिक्षा जो है वो हर बाप अपने पुत्र को देता है, लेकिन बहुत कम ऐसे पुत्र होते हैं कि जो उसे ग्रहण कर अपने जीवन में जो है सार्थक करते हैं। और ऐसे दो पुत्र जो है वो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, आप जो है वो देख सकते हैं इनको, कि इन्होंने अपने पापा के साथ मिलकर जो है वो 10 घंटे लगातार और जो है वो 24 किलोमीटर जो है वो तैरा है। तो कहीं ना कहीं वाकई में आप बहुत सौभाग्यशाली। जी, मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ। मेरा छोटा भाई, ये भी बहुत बड़ी संज्ञा नहीं दूंगा, हम तो भगवान रामचंद्र के चरणों के धूल के बराबर है, ये लक्ष्मण की तरह मेरे हमेशा साथ में रहता है, हमें साथ देता है। और हम, हमारा जो परिवार है वो फ्रेंडली परिवार है, हम रिश्ते में पिता पुत्र हैं, लेकिन मैंने इनको कहा कि बेटा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और दोस्त की तरह ही हम आपस में व्यवहार करते हैं, एक दूसरे की बात वो करते हैं, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सरलता हुई। आपने सही कहा कि बहुत कम पुत्र हैं जो उस चीज को कर पाते हैं, और इन्होंने जो है उसी को, बात को लिया कि पापा कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा पिता तो हूँ लेकिन पिता कम दोस्त भी हूँ। जो है वो हमारे यहाँ कहते हैं कि जब जो है वो पिता के और पुत्र के जूते जो है वो एक जैसे एक नंबर के हो जाएं तो वो जो है वो दोस्त हो जाते हैं। तो वाकई में इस तरीके से परिवार का जो है फ्रेंडली होना बहुत जरूरी होता है, इससे ना माहौल, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज जो है अपने भाई की बात है चाहे लड़कों की बात है, कहीं ना कहीं इनके संस्कार जो है वो इन सब चीजों में दिखते हैं। तो आपने सरकार से जो है वो किस प्रकार की जो है वो आपकी इच्छा है कि सरकार इसमें सहयोग करे? नियाल जी, उससे पहले मैं थोड़ा इनकी माता का, इनकी माता का जिक्र करना चाहूंगा। बिना उसके भी यह संभव नहीं है, क्योंकि बहुत कम माँ होती हैं ऐसी जो अपने पूरे परिवार को, पति और अपने दोनों बेटों को, हम तो उनका परिवार ही है ना, पूरा परिवार ही है, और इतनी बड़ी गहरी झील में अनुमति दे दे कि जाओ तुम लेके जाओ और तैर के आओ, तैरो। लेकिन मैं उसका भी बहुत बड़ा ऋणी हूँ और सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे पत्नी के रूप में वो मिली हैं। इनकी 3 बड़ी बहनें हैं, 2 छोटी बहनें हैं और 1 छोटा भाई है, हम सबका यह संयुक्त परिवार है और सबका सहयोग मिलता है, इनकी छोटी माँ का छोटा पापा, सबका सहयोग मिलता है कि आप करो। अब होना तो वही है जो नसीब पे होगा, सरकार भी बिना संघर्ष के तो कुछ नहीं मिलता, ऐसा मैंने इनको भी कहा था जब पहली बार हम किया 2021 में, तो थोड़ा बालक का मायूस हो गया, तो मैंने कहा बेटा बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता, और आज हमने क्या, और आज ही मिल जाए तो फिर संघर्ष कहाँ पे रहा। सरकार से किस प्रकार की उम्मीदें हैं आपकी? सरकार से उम्मीद यही है कि वो इन दोनों को भविष्य को देखते हुए इनको ट्रेनिंग की वो करेंगे, और जैसा कि भी माननीय मंत्री जोशी जी से भी आग्रह किया था कि राज्य स्तरीय, क्योंकि हम ये 3 बार कर चुके हैं और ऐसा पिता पुत्रों के द्वारा कहीं भी देखने को नहीं मिला है, जैसा कि आप लोग भी गूगल के माध्यम से सर्च मार सकते हैं कि इस तरह का कृत्य नहीं हो पाया अभी तक संसार में ही नहीं हुआ कि एक पिता अपने दोनों पुत्रों के साथ इतना तैरा हो। तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिला अधिकारी महोदय से यही आग्रह है कि वह हमें राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजे और इन दोनों बच्चों को। और एक चीज और है सर, कि ये इंग्लिश चैनल बड़ा प्रसिद्ध है अपने आप में कि इंग्लिश चैनल पार कर किया है, तो मेरे अब ये एक लक्ष्य ये है कि मैं अपने दोनों बेटों के साथ उसको पार कर सकूं, और उसके लिए मैं राज्य सरकार से सहायता
चाहूंगा। कहीं ना कहीं इतना बड़ा काम करने से पहले, किसी भी कार्य को करने से पहले जो है वो अंदर एक आत्मविश्वास होना जो है वो बहुत जरूरी होता है, और कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास आपने अपने आप में जो है वो पहले डेवलप किया, उसके बाद अपने बच्चों तक पहुंचाया, और आपने जो कहा कि माता जी ने, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सबके अंदर जो है वो आत्मविश्वास था, तो इसीलिए ये सब कुछ पार संभव हो पाया। ये मेरा पूरा परिवार का ही सहयोग है। मैं थोड़ा भाव जल्दी हो जाता हूँ, भावनात्मक उभराया भगवान ने, कि कहा कि सबका, इनकी बहने माँ सब कहते कि कोई बात नहीं, अब सफलता न मिलने पर यदि कहीं से कोई वो न मिल पाते, मायूस तो सभी हो जाते हैं, लेकिन कहा है कि करते रहो, बस कार्य अपना कर्म करते रहो, जरूर सफलता अवश्य मिलेगी। आपका क्या नाम है? ऋषभ। क्या कुछ कहेंगे इस अनुभव के बारे में? अनुभव तो काफी अच्छा है, अब तैरने का भी अनुभव हो चुका है हमको काफी अच्छा। पिता गुरु बेटा शिष्य, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी पिता तो गुरु ही होते हैं वैसे, और हमारे पिता हमारे दोस्त भी हैं और पिता भी दोनों हैं और गुरु। आपका क्या नाम है? पारस वीरराव। क्या कुछ कहेंगे इतनी छोटी सी उम्र में, अभी दाढ़ी भी ढंग से नहीं आई है और आपने जो है वो पूरा टीरी झील जो है वो तैर के पार कर दी, कैसा अनुभव रहा है? अनुभव जैसे कि मेरे भाई ने कहा, 3 बार तैर चुके हैं, और दूसरी बात जब पिता साथ हो तो डर मन से हट जाता है। आप जो है इनके चाचा हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत ही अपने आप में प्राउड फीलिंग आती है कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा भाई, 3 बार इन्होंने अटेम्प्ट किया है और जो जो इन्होंने लक्ष्य रखा था वो टारगेट पूरा किया है, और आई एम सो ग्लैड, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली ने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करा, सेकंड टाइम करा, थर्ड टाइम जो इनके मन में था कि हमने कंडिसौर तक जाना है, और वो इन्होंने लक्ष्य प्राप्त किया। कुछ हो या ना हो ये तो अलग बात है, लेकिन अगर हम कोशिश ही ना करें तो ये गलत बात है, और इन्होंने कोशिश की और लगातार जो परिश्रम करता है, चींटी जो है वो बार बार चढ़ती है, 1000 बार चढ़ती है, लेकिन वो बार बार चढ़ के जो है वो नीचे गिर जाती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो उस ऊंचाई को, उस चढ़ाई को जो है पार कर लेती है, और ऐसी जो है ये पिता पुत्र की जोड़ी जो है अपने चैनल के माध्यम से आज हमने आप तक पहुंचाई है। क्षेत्रीय विधायक जो है प्रताप नगर से यहाँ पे आए हैं सर, सबसे पहले तो जो है वो स्वागत है आपका, और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जो है वो कीर्तिमान जो है यहाँ पे स्थापित करने का काम जो है पिता पुत्रों ने किया है, क्या कहेंगे? त्रिलोक सिंह रावत जी मोठना गांव के निवासी हैं, और उनके दोनों पुत्र ऋषभ और पारसवीर ने 2021 में, 21 में मैं विधायक नहीं था, 2021 में उन्होंने कोटी कॉलोनी से और मोठना गांव तक झील में तैर कर आए, और 2022 में कोटी कॉलोनी से और स्यासू पुल तक तैर के आए, लेकिन इस समय 2024 में इन्होंने कोटी कॉलोनी से और चिन्याली सोड़ 18 किलोमीटर लगातार 9 घंटे पानी में रहकर तैराकी की है, और ये बड़ा कीर्तिमान है उत्तराखंड के लिए, और मुझे उत्तराखंड सरकार से निवेदन करना है, माननीय मंत्री जी ने भी कहा इनको सम्मानित तो किया जाना चाहिए राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर, इसके साथ ही इन दोनों बच्चों की ट्रेनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। टीरी बांध की झील अभिशाप न बने, ये वरदान में साबित हो, ये प्रयास होने चाहिए, और इनकी ट्रेनिंग भी और इनके रोजगार की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। एक ऐसा ही नौजवान रेंडोल गांव का, उसने एवरेस्ट, सबसे कम उम्र का एवरेस्ट विजेता है, एनसीसी में था, एनसीसी से उसका सिलेक्शन हुआ, और आज उसने वाटर स्कीइंग में भारत में गोल्ड मेडल लाया, और उसका सिलेक्शन चाइना के लिए, इंटरनेशनल के लिए हो गया। उसकी भी समस्या थी कि आने जाने का पैसा नहीं है, मतलब जो फेडरेशन है वो रहने खाने का पैसा तो दे रहा है, लेकिन उसके आने जाने को मैंने टीरी जिलाधिकारी से कहा कि कैसे व्यवस्था हो सकती, क्या हमारा सहयोग हो सकता है उसके किसी तरह से व्यवस्था करने की, वो भी चला जाए। टीरी बांध की झील जब बनी थी ये 42 वर्ग किलोमीटर है, इसके ऊपर पुल नहीं थे, मैं पहला व्यक्ति हूँ कि जिनने 0 से लेकर 100 तक पुलों को बनाने का काम भी, डोबरे का पुल का जब डिजाइन फेल हो गया तो तब भी मैं विधायक था 12 से 17 के बीच में, तो किसी तरह से इसका डिजाइन कोरिया से लाए, इसका भी निर्माण किया, अब वहाँ चारों तरफ रिंग रोड बन रही है और 3-लेन ब्रिज भी बनने वाले हैं, ये प्रस्तावित हैं, और लगता है कि पर्यटन की दृष्टि से टीरी लेक एक बड़ा हब बनेगा, और इस तरह की तैराकी की गतिविधियाँ हो, मोटर बोट से लेकर जो आपके वाटर स्कीइंग से लेकर और तरह की जितने पानी से संबंधित गतिविधियां हैं उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान है, और मध्य हिमालय में इतनी बड़ी झील कहीं दूसरी जगह नहीं है।
सर पहाड़ों में क्योंकि बहुत परिश्रमी लोग रहते हैं, 5-5 किलोमीटर पैदल जाना होता है, कई चीज़ों में जो है हम हर जगह संघर्ष करते हैं, कहीं ना कहीं पहाड़ में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन आवश्यकता है सरकार को जो है वैसे संसाधन उपलब्ध करवाने की कि जो पहाड़ की प्रतिभा है वो देश विदेश तक जो है पहुँच सके। देखिए हम नदी के किनारे के रहने वाले लोग हैं, हमने भिलंगना नदी तैर कर चल के सीधा आर पार की है। हम उस जमाने में विद्यार्थी जीवन में कितनी गहरी भी हो मच्छी उसे पकड़ के लाते थे। तो हम जिस प्रकृति में रहते हैं, जिस विषम भौगोलिक परिस्थिति में रहते हैं, ईश्वर ने हमारे शरीरों की बनावट, हमारी हिम्मत और सांस भी उस तरह का दिया है। आवश्यकता है तो उस प्रतिभा को निखारने की, आवश्यकता है सरकार को संसाधन उपलब्ध कराने की, नहीं तो हम तो घर गांव में रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा कर सकें अगर सरकार इस पर निरंतर ध्यान देती रहे और इस पर काम होता रहे तो निश्चित तौर पे इस सब का लाभ वहाँ की जनता को मिलेगा। कहीं ना कहीं पहाड़ों में जो है वो प्रतिभा की कमी नहीं है, आवश्यकता है जो है उसको आगे निखारने की, क्योंकि आलू और पहाड़ी आपको हर जगह जो है वो मिल जाएंगे, आवश्यकता है उनकी जो है वो उनको किस प्रकार से सरकार आगे जो है वो रास्ता दे। लेकिन हम जिस प्रकार से देख रहे हैं सभी का ये कहना है कि यहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट की बात हो तो वो भार मेरठ वाले को, जिस प्रकार से जो है वो टिहरी झील की बात हो वो हरियाणा वाले को, जिस प्रकार से गलो की पावर हाउस है वो जापान को, जापानी टेक्नोलॉजी, तो मतलब हर किसी सारा रोजगार जो है वो बाहर वालों तक जो है वो पहुंचाया जा रहा है और यहाँ के स्थानीय लोगों को तवज्जो नहीं दी जा रही है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो है वो डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी हम किसी सरकार या किसी पक्ष विपक्ष के साथ नहीं, हम किसी पार्टी के साथ नहीं, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी अगर हमें भू कानून के लिए सड़कों पर जो है वो उतरना पड़ रहा है, हमें मूल निवास के लिए घर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, हमें रोजगार के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, हमें जो है वो नकल विरोधी कानून लाने के लिए जो है वो सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, आखिर कब तक हम जो है ये उतरते रहेंगे। डबल इंजन सरकार इसलिए दी थी, पिछले बार भी दी थी, इस बार भी दी थी कि ताकि जो है यहाँ का समग्र विकास हो सके, लेकिन ऐसा कोई विकास जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। साथ के साथ आप ये सोचिए कि इन आंदोलनों में कितने पुलिस की ड्यूटी, कितना समय, कितना छात्रों का समय, कितना जो है वो आम जनता का समय जो है वो खराब होता है। ये किसी को शौक नहीं है। आज जो है वो तांडव रैली निकाल रहे हैं, कभी जो है वो मूल निवास के लिए लड़ रहे हैं, कभी भू कानून के लिए लड़ रहे हैं, गढ़ रत्न सिंह नेगी जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं, तो लगातार जो है वो हम आखिर कब तक सड़कों पर उतरेंगे। डबल इंजन सरकार इसलिए थी कि यहाँ पे जो है वो सारी सुख सुविधाएं हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। पहाड़ में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, आवश्यकता है सरकार को उनको वो स्तर देने की जिससे जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमा सके। तो हम लगातार प्रयास करते हैं चैनल के माध्यम से कि हम आप तक जो है वो सारी चीजें पहुंचा पाए। हमें भी थोड़ा सा मनोबल मिलता है अगर आप लाइक और सब्सक्राइब जो है वो करते हैं। हम आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि लाइक और सब्सक्राइब जो है वो जरूर करें और हम आप तक लगातार ऐसी जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन आज साथ में तेजस्वी आलू के 24/7 न्यूज मसूरी। ट्रूवे टैक्सी सर्विसेज आपके लिए एयरपोर्ट से आपके घर तक एक फ्री राइड की पेशकश कर रहा है। बस अपनी राइड बुक करें और अगर आप हमारे साथ लगातार 4 एयरपोर्ट ट्रांसफर बुक करते हैं तो 5वीं राइड आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। नियम और शर्तें लागू।